अरे मुंशी जी, आप यहाँ बैठे हो, राजवीर कहाँ है? अरे बेटा, विदाई तो किसी काम से अलीपुर गाँव गए हैं। अलीपुर गए हैं? ये राजवीर भी ना गलत टाइम पे ही बाहर जाते हैं हमेशा। क्या हुआ बेटा, आप मुझे बताओ तो सही। मुंशी जी, अंजलि आ रही है शहर से, उसे लेने जाना था। अंजलि बिटिया आ रही है शहर से? हाँ मुंशी जी। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं चले जाता हूँ अंजलि बिटिया को लेने रेलवे स्टेशन। हाँ ये ठीक रहेगा मुंशी जी, आप चले जाइए उसे लेने, तो पता नहीं है वो कब आएंगे लौट कर। ठीक है बेटा। मुंशी जी, आप अंजलि को पहचान तो लोगे ना? हाँ बेटा पहचान लूंगा। ठीक है फिर मुंशी जी, आप जल्दी से चले जाइए, अंजलि की ट्रेन आने ही वाली होगी। ठीक है, जा ही रहा हूँ बेटा। हाँ ठीक है। आदमी ने देसी पी ली, अब धमाका होने से कोई नहीं रोक सकता। पर मेरा यार रामपाल कहाँ है? हाँ रामपाल तो देसी लेने गया, तो काम करता हूँ मैं भी उसके पास ही जाता हूँ। रामपाल भूत निकल रोक ले। ओए ऑटो वाले, नीचे उतर। के बात हुई भाई, कहाँ जाना है? वह जाना तो मुझे दिल्ली है, पर पहले तू नीचे उतर। भाई ये ऑटो दिल्ली नहीं जाता। ये ऑटो दिल्ली नहीं जाता? एक मिनट रुक। देख भाई ऑटो, तू भी दिल्ली नहीं जाता, मैं भी दिल्ली नहीं जाता, पर तू मेरा दोस्त है, इसलिए तुझे दोस्त की खातिर दिल्ली चलना पड़ेगा। अब जल्दी बता, चलेगा या नहीं? अच्छा चलेगा। हाँ ये हुई ना बात। देख भाई, मैंने अपने दोस्त ऑटो से बात कर लिया, वो दिल्ली चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर पहले तू नीचे उतर। भाई नीचे उतर के क्या करना है? नीचे उतर के तुझे तारे देखने हैं। क्या तारे दिखाई दिए? अरे तारे की तो छोड़, तने मारा क्यों मेरे? मारा क्यों है? बस ले मारा, जहाँ मैंने हाथ दिया था वहाँ ऑटो क्यों नहीं रोका तूने? रोका तो है, और कैसे रोकूं? अबे जहाँ मैंने हाथ दिया था वहाँ क्यों नहीं रोका? ये ऑटो है, थोड़ा आगे पीछे ही रुकता है, एकदम जाम तो होता नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। अरे कहाँ जा रहा है भाई? बड़ा अजीब आदमी है यार, कहाँ जा रहे? तू अपना ऑटो यहाँ लेके आ, मैं यहाँ पे बैठूंगा। ठीक है ला रहा हूँ, रुक जाओ। अरे क्या हुआ, बंद हो गया? अबे साढ़े एक ऑटो चल नहीं रहा, रोकता कहीं है, बात कहीं करता है। अब ठीक है, अब मैं बैठूंगा। चल हट जाओ सारे। क्योंकि यहाँ मेरा हेलीकॉप्टर उतरने वाला है, इसलिए खड़ा हूँ मैं यहाँ। देख मैं बहुत जल्दी में हूँ, रास्ते में से हट जा। अरे तू कार से नीचे उतर। रामपाल मार क्यों रहा है तू? तू एक बात बता, तूने ये कार क्यों रोकी? रामपाल तूने तो हाथ दिया था कार रोकने को। मतलब मैं हाथ दूंगा तो तू मेरी छाती पे चढ़ाएगा कार? देख रामपाल, मुझे अंजलि बेटी को लेने रेलवे स्टेशन जाना है, मैं तेरे से बाद में बात करूंगा। तब तक मैं तेरे लिए यहाँ खड़ा रहूंगा क्या?
चल एक काम कर, समाधि तक छोड़ दे। ठीक है, बैठ जल्दी। भाई पैसे ला दे दे। अरे मैं ऑटो के पैसे मांग रहा हूँ भाई। अबे मैंने तेरा ऑटो खरीदा थोड़ी है जो मैं तुझे इसके पैसे दे दूँ। भाई मैं किराया मांग रहा हूँ। अबे किस बात का किराया, ऑटो में बैठ के आया तू? ऑटो में तो तू भी बैठ के आया, तू भी दे दे किराया। भाई मेरा तो ऑटो है। जब तेरे पास अपना ऑटो है तो फिर इसमें क्यों घूम रहा है? भाई मुझे नहीं चाहिए पैसे, तू जा यहाँ से। मैं क्यों जाऊं, ये सड़क तेरे बाप की है, तू जा। ठीक है भाई मैं ही जा रहा हूं। जल्दी कर। मैं तो आ रहा हूँ मेरे दोस्त, पर तू कहाँ जा रहा है? पर मैं तो तेरे पास ही जा रहा था रामपाल। पर तू इन सब बातों को छोड़, ये बता लाया है या नहीं? हाँ लाया हूँ ना, ये देख। क्या बात है रामपाल, तू मेरा सच्चा दोस्त है। अब बता किधर चलना है? इधर चलना है तो चल फिर। चल मेरे यार। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती मैडम आपका स्टेशन आ गया। भैया कितने पैसे हो गए? 20 रुपए हो गए मैडम। ये लो भैया। मैडम मेरे पास खुले पैसे नहीं है। कोई बात नहीं भैया, आप रख लो। शुक्रिया मैडम। भाभी, अंजलि, अंजलि तू तो बहुत बड़ी हो गई। और क्या मैं छोटी बनी रहती? नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा भाभी भैया कहाँ हैं? तुझे तो पता ही है तेरे भैया घर में कम बाहर ज्यादा रहते हैं। मतलब बहन से ज्यादा काम प्यारा है? तेरे से ज्यादा प्यार तो कुछ नहीं है हम दोनों के लिए, तू तो हमारी गुड़िया है गुड़िया। ठीक है भैया को बचाने के लिए मस्का मत लगाओ भाभी तुम मुझे। अब क्या सारी बातें खड़े खड़े कर लोगी तुम या फिर बैठोगी भी? अब तो मैं रोज बैठूंगी अपनी भाभी के पास। चलो तो फिर। हाँ चलो। और बता तेरी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो भाभी मेरी खत्म हो गई है, अब तो मैं बस आप दोनों के पास ही रहूंगी। सच में? हाँ भाभी। पर अंजलि तेरे भैया तो नहीं रहने देंगे तुझे, वो तो तुझे भेजने की पहले से तैयारी करके बैठे हैं। कहाँ भेजने की तैयारी कर रखी है?
तुम्हारे ससुराल। भाभी मैंने कितनी बार बोला है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पर करनी क्यों नहीं है ये तो बताओ। भाभी मैं भैया को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। आपको पता है ना इतने सालों से मैं कैसे रह रही थी उनके बिना, अब तो मैं उनके पास ही रहूंगी। पर अंजलि एक न एक दिन लड़की को अपना घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। जब जाना होगा तब की तब देखेंगे, अभी तो तुम मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है भाभी। मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ, चाय पानी को छोड़कर शादी की बात करने लगी हूँ मैं तुमसे। कोई बात नहीं भाभी, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अच्छा ये बताओ क्या खाओगी तुम? जो मेरी भाभी प्यार से खिलाएगी वो मैं खाऊंगी। तो चलो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। हाँ चलो भाभी। बिल्लू कहाँ ले जा रहा है तू मुझे? आज मैं तुझे खेत में घुमाने ले जा रहा हूँ चमेली। पर खेत में तो मैं सारा दिन रहती हूँ। किसके साथ है? दो तीन आदमी। क्या दो तीन आदमी है तेरे? फिर मेरे साथ क्या करना है तू यहाँ? मुझसे क्या पूछ रहा है, तू ही तो लेकर आया यहाँ मुझे। मैं तो तुझे कुंवारी समझ के लेकर आया था, मुझे क्या पता था तूने भी बहू की तरह चेले पाल रखे है। अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? अच्छा मैं बकवास कर रहा हूँ या तू बकवास कर रही है? मैंने क्या किया है? सब कुछ करके मुझसे पूछ रही है मैंने क्या किया है? हाँ मैं पूछ रही हूँ मैंने क्या किया है। तूने मेरा दिल तोड़ा चमेली। अरे बिल्लू मैंने तेरा दिल कब तोड़ दिया? अभी तोड़ा है, ये बता के कि तेरे दो तीन आदमी है। अरे बावड़ी पूछ, मैं उन आदमियों की बात कर रही हूँ जो मेरे साथ खेत में काम करते हैं। अच्छा तू इन आदमियों की बात कर रही थी, मैंने सोचा कि वो मेरे आदमी है। हाँ अरे पागल मेरा तो सिर्फ एक ही आदमी है। कौन है तू और कौन? क्या मैं? हाँ तू। ये क्या कर रहा है बिल्लू? बिल्लू अपनी बिल्ली को छेड़ रहा है। अरे अगर हमें किसी ने ऐसे देख लिया ना तो सारे गांव में बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा ऐसा भी है, तू एक काम कर मुझे लेके नीचे बैठ जा, फिर हम दोनों को कोई नहीं देख पाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा। जी मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई बात नहीं भोला, तेरे मरने के बाद तेरे छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे। विधायक जी मेरी सारी जमीन ले लो और मुझे छोड़। भोला वो तो मैं वैसे भी ले लूंगा तेरे मरने के बाद। विधायक जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे मत मारिए। भोला तो पहुंच गया भोले के पास। कपड़ा देख। रामपाल, अरे रामपाल, रामपाल, अरे यार रामपाल कहाँ है तू, जल्दी बाहर आ। अरे आ जा यार। क्या हुआ मेरे यार, चिल्ला क्यों रहा है? दर्द के मारे सर फटा जा रहा है, कुछ कर मेरी जान।
अदरक वाली चाय ले आऊं बना के? अरे मैं कोई बालक थोड़ी हूँ जो चाय पीऊंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं तेरे सर की मालिश कर देता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, कर दे। यार रामपाल। हाँ बोल। यार कुछ बची कुची रखी है क्या? अगर रखी है तो मुझे दे दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। घर में तो एक बूंद भी नहीं है, लानी पड़ेगी जाके। तो लिया यार जाके। अभी जाऊंगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर में नहीं यार, तू अभी चला जा लेने। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। यार रामपाल एक मिनट सुन। हाँ बोल। पैसे वैसे हैं तेरे पास या मैं दूं? हाँ है मेरे पास, तू टेंशन मत ले। अच्छा ठीक है, जल्दी आइए। पर तू, मैं यूं गया और यूं आया। भैया मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं आपसे नाराज हूँ। अच्छा मेरी गुड़िया मेरे से नाराज है? पर मेरी गुड़िया मेरे से नाराज क्यों है? भाभी तुम भैया को बोल दो, वो मुझे लेने स्टेशन नहीं आए ना, इसलिए मैं उनसे नाराज हूँ। अच्छा तो मेरी गुड़िया इसलिए नाराज है मेरे से? चलो तो मैं कान पकड़ कर सॉरी बोलता हूँ अपनी गुड़िया को। सॉरी सॉरी। अंजलि बिटिया अब तो मान जाओ। आप सब ऐसे ही मना लेते हो मुझे इमोशनल ड्रामा करके। अच्छा चल अब जब मेरी गुड़िया दोबारा आएगी तो मैं उसे पक्का स्टेशन लेने आऊंगा। आऊंगी तो जब मैं यहाँ से जाऊंगी। क्या मतलब? मतलब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है भैया, अब मैं आपके पास ही रहूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों सुनीता? हाँ जी भैया, मुझे ना एक बार पूरा गाँव देखना अच्छे से। तो किसने मना किया मेरी गुड़िया को गाँव देखने से? मुंशी चाचा ने। क्यों भाई मुंशी, तूने मेरी गुड़िया को गाँव देखने से क्यों मना किया? नहीं मालिक, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बेटिया रानी तो फंसा रही है मुझे बेकार में। अच्छा ठीक है ठीक है, मेरी गुड़िया रानी अच्छे से पूरा गांव देखेगी ना? हाँ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अपने भैया को फोन करूंगी। मेरी प्यारी गुड़िया रानी। भैया मैं आप सबके लिए ना गिफ्ट लेकर आई हूँ, चलो दिखाती हूँ। चलो चमेली तू बड़े दिन बाद मिली अकेली। मैं तो तेरे से मिलने हमेशा अकेली ही आती हूँ। अच्छा सुन ये बता, तू मेरे घर कब आ रही है? आ तो गई मैं तेरे घर, अब और कैसे आऊँ? अरे मेरा मतलब है मेरी बहू बनके कब आएगी मेरे घर? जब तू आएगा मेरे घर दूल्हा बनके तब। तो कल आ जाऊँ मैं दूल्हा बनकर? तेरी मर्जी। तो ठीक है फिर, कल बिल्लू दूल्हा बनेगा। बिल्लू! अरे ये आफत कहाँ से आ गई? चमेली तू एक काम कर, जल्दी से जाके छुप जा। कहाँ छुपूं? अरे कहीं भी जाके छुप जा, पर छुप जा। अरे मैं इतनी देर से बाहर चिल्ला रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? यार मैं कुछ काम कर रहा था। अरे काम हाथों से कर रहा था या कानों से? दोनों से। दोनों से? मुझे लगता है तू पागल हो गया है। मुझे छोड़, तू ये बता तू किस काम से आया था? अरे यार मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अगर कुछ रात की बची कुची रखी है तो मुझे दे दे। यार घर में तो है नहीं, लानी पड़ेगी जाके। अरे लेने तो गया है रामपाल। मुझे क्या करना है? अरे तू जो अपना काम कर रहा था कर ले, मैं चला अपने घर। जा। अच्छा हुआ आफत चली गई, बाहर आजा चमेली, अर्जुन गया। आज तो बाल बाल बच गए। हाँ चमेली तू एक काम कर, तू जल्दी से चली जा, कभी वो शैतान वापिस आ जाए। ठीक है। हाँ? अरे अंजलि कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? भाभी कल बताया नहीं था मुझे अपना पूरा गांव देखना है अच्छे से। वो तो ठीक है पर मुंशी जी तो अभी आए नहीं, तुम जा किसके साथ रही हो? मैं अकेली जा रही हूँ।
अकेली जा रही हो? अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया ना तो बेकार में मेरी आफत आ जाएगी। अरे भाभी तुम टेंशन क्यों ले रही हो, भैया को कल मैंने बोल दिया था ना। तुम अपने भैया को जानती नहीं हो, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। भाभी तुम बेकार में डर रही हो, मैं किसी से लड़ने थोड़ी जा रही हूँ, अभी गाँव घूम कर वापस आ जाऊंगी। ठीक है जाओ, पर ध्यान से जाना और जल्दी लौट आना। ठीक है भाभी, बाय। अरे रामपाल। हाँ। और कितनी देर तक काम करेगा तू? बस थोड़ा सा रह गया, इसे खत्म करके चल रहे हैं। जल्दी कर ले यार, मैं तो बैठे बैठे बोर हो लिया यहाँ। बस थोड़ी देर और रुक जा। मैं ही करवाता हूँ काम। अरे मेरे यार, ये क्या कर रहा है तू? अरे यार मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा काम। तू मेरी मदद ही करना चाहता? हाँ है यार। तो एक काम कर, ये फावड़ा मुझे दे और वहाँ छा में जाके बैठ जा। अरे इतनी देर से बैठा ही तो हूँ मैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम और रह रहा, अभी चल रहे। मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो तेरे साथ काम करूंगा यहाँ। देख मेरे यार, जो राजा होते हैं वो कभी काम नहीं करते, और तू मेरा राजा है। यार रामपाल तू कभी कभी मुझे इमोशनल कर देता है यार। राजा कभी इमोशनल नहीं होते, राजा सिर्फ राज करते हैं। आई बात समझ में? हाँ आ गई। तो एक काम कर, वहां जाके बैठ जा। अर्जुन, ए अर्जुन। अरे रामपाल काम खत्म हो गया तेरा? हाँ। तो फिर घर चलें? हाँ चलो। यार अर्जुन आज खाने में क्या बनाया जाए? आज तू खाने में अरहर की दाल और रोटी बना ले, और अपना वो तो रखा ही है, मजा आ जाएगा कसम से। तो ठीक है फिर, आज अरहर की दाल और रोटी चलने दे दबा के। क्या हुआ मेरे यार, बाइक पसंद आ गई क्या? हाँ यार रामपाल, ये बाइक मुझे बहुत पसंद है। तो फिर खरीद लें? नहीं यार रामपाल, इतनी भी अच्छी नहीं है, चल। चलो। बाराती बारात लेकर जाएंगे तुझको भी अपने साथ लेकर। अरे बिल्लू ये क्या भेष बना रखा है तूने? भेष बता जैसे दूल्हा बनकर आया हूँ मैं। पर दूल्हा बनके जा कहाँ रहा है तू? जाऊंगा कहाँ, तेरे घर आया हूँ मैं। मेरे घर आया? पर मेरे घर क्यों आया है तू? तूने तो बोला था जब मैं दूल्हा बनकर तेरे घर आऊंगा के बाद तू मेरे घर आएगी। अरे पर मैंने तुझे अकेले आने को थोड़ी बोला था। मतलब किसको साथ लेकर आना था क्या? और क्या, किसको लाना था? अपने परिवार वालों को, दोस्तों को, गांव वालों को और पंडित को। पंडित को? पंडित का क्या करेगी तू? अरे पंडित नहीं होगा तो मंत्र कौन पढ़ेगा शादी में? किसकी शादी का मंत्र पढ़वाना है तुझे? हमारी शादी में। मतलब? मतलब जब तू मेरे घर बारात लेकर आएगा तब मैं तेरे घर आऊंगी। यार चमेली देख, ये तेरी बात ठीक नहीं है। उस दिन तू बोली थी जब मैं दूल्हा बनकर आऊंगा उसके बाद तू मेरे घर आएगी,
आज बोल ले जब मैं बारात लेकर आऊंगा, जब तू मेरे घर आएगी पहले तू सही से सोच ले करना क्या है। बिल्लू तू अभी तक मेरी बात समझा नहीं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अच्छा तू मुझसे शादी करना चाहती है? अब तू समझा है सही। अरे बावली पूछ, सीधा सीधा नहीं बोल सकती थी, तुम मेरे घर बारात लेकर आ जाओ। मैंने तो बोला था। कहाँ बोला था? तू नहीं तो बोला था जब तू दूल्हा बनकर आएगा जब मैं तेरे घर आऊंगी। अब तो तू समझ गया ना कि मैं क्या बोलना चाहती थी। हाँ अब तो अच्छे से समझ में आ गया। दो दिन में बारात लेकर आ रहा हूँ तेरे घर, तू तैयार हो जा बस। ठीक है। अरे रामपाल, अरे कहाँ छुप के बैठा है यार? लगता है उधर होगा मेरा यार। अरे रामपाल कहाँ छुपा है मेरे यार? अरे ये बीच में दीवार किसने खड़ी कर दी, तोड़ दूँ इसे। अरे दिखाई नहीं दे रहा तुझे, कैसे अंधों की तरह चल रहा है? अच्छा मुझे अंधा बोल रही है, और तू जो ये मोटी मोटी आंखें लेके घूम रही है उसका क्या? फालतू मत बोल नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। अच्छा मेरा मुंह क्या किसी पेड़ पे लगा जो तू तोड़ देगी? जानता नहीं है तू कौन हूँ मैं। तो फिर बता देना कौन है तू, देर क्यों कर रही है? मैं राजवीर विधायक की बहन हूँ। अच्छा तू उस चोर की बहन है, उसको विधायक बनाया किसने? किसने बनाया? हमने बनाया। अगर हम उसको वोट नहीं देते तो वो विधायक बन जाता क्या? तू बहुत बदतमीज है, मैं पहले से ही जानती हूँ। पहले से कब से जानती है? बचपन से जानती है क्या? मुझे तेरे मुंह ही नहीं लगना, हट रास्ते में से। ओए एक मिनट रुक, मैंने तुझे कब कहा मेरे मुंह लगने के लिए? और तुझे एक बात बताऊं, मेरे मुंह में से दारू की महक आ रही है। छी शर्म नहीं आती तुझे दारू पीते हुए? दारू पीते हुए शर्म भी आती है, ये तो मुझे पहली बार पता चला। पर कोई बात नहीं, मैं अपने यार रामपाल से पूछूंगा। रामपाल कौन है? रामपाल कौन है? रामपाल मेरी जान है। और देख रात बहुत हो गई है, तू अपने घर जा, और कह तो मैं छोड़ने चलूं? जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। तो फिर जा, धमकी क्यों दे रही है लिकड़। देख तू मेरे यार को बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुझे इस घर से ले जाने आया हूँ। तू शोर मत मचाइयो, ठीक है ना? अरे अरे रामपाल, अरे ओ रामपाल, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? बाइक किसकी है? हमारे घर में खड़ी तो समझ ले हमारी यार है। रामपाल बताना किसकी है? अरे किसकी है क्यों है ये सब छोड़, तू चला और मौज ले।
अरे कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या लेने आए हो? अपनी बाइक लेने आए हैं। दे दू साढ़े तुझे अभी बाइक। देख लो गांव वालों, गांव में भी घात मार दी है। अरे ओ गांव के नेता, तू चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे भी हम यही रख लेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बाइक लिए बिना नहीं जाऊंगा। ठीक है ले जा। चलो रे। खेत में खड़ी थी, ठा लाया। क्या बात है रामपाल, बाइक ही चुरा लाया तू उसकी? मेरे यार को पसंद आई थी इसलिए चुरा ली मैंने। आई लव यू रामपाल। आई लव यू टू। अरे तो जा कहाँ रहा है? अभी आ रहा हूँ, बिल्लू के पास जा रहा हूँ। जरा जा तो जल्दी आइए। मैं यूं गया और यूं आया। राम राम भाभी जी। राम राम चमेली, और ठीक है तू? हाँ भाभी जी मैं ठीक हूँ। चमेली मेरा एक काम करेगी तू? बोलो ना भाभी जी। तू मेरे लिए खेत पर से सरसों का साग ला दी कि क्या? हाँ अभी ला दूंगी भाभी जी। भाभी जी ये कौन है? चमेली तूने इसे पहचाना नहीं? नहीं भाभी। अरे ये अंजलि है जिसके साथ तू बचपन में खेलती थी। ये अंजलि है? ये तो बहुत बड़ी हो गई। तू भी तो बड़ी हो गई है अब। हाँ हो तो गई हूँ भाभी जी। अब ये बता मेरे लिए साग लेने जाएगी या सारी बातें आज ही कर लेगी? जा रही हूँ भाभी जी। चमेली सुनो, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ खेत पर? हाँ चलो। भाभी मैं जाऊँ चमेली के साथ खेत पर? हाँ जाओ। ठीक है। और बता भाई अर्जुन, कैसी कट रही है आजकल तेरी? मेरी तो बढ़िया कट रही है, तू बता तेरी कैसी कट रही है? भाई मेरी तो अब अकेली कट नहीं रही, मैं तो सोच रहा हूँ ब्याह कर लूँ जल्दी से। सोच क्यों रहा है, कर लेना फिर। हाँ लग रहा हूँ प्रोग्राम में। मुझे लगता है लड़की पहले से ही देख रखी है तूने। हाँ है तो एक लड़की मेरी नजर में। कौन है मुझे भी बता जरा। अरे भाई ऐसे बताने मजा थोड़ी ना आता है, तुझे तो मैं डायरेक्ट मिलवाऊंगा। मिलवाएगा? बहुत जल्दी मिलवाऊंगा भाई। और तू बता तू कब कर रहा है ब्याह? अरे मैं कहाँ कर रहा हूँ ब्याह, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। अरे मुंशी इतनी स्पीड में कहाँ जा रहा है, दो मिनट हमारी भी सुन ले। आ सुना जल्दी, क्या सुना रहा है? पहले एक बीड़ी पिला फिर सुनाऊंगा। बीड़ी नहीं है मेरे पास। बीड़ी नहीं है तेरे पास? फिर काय का मुंशी है तू, भाग यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, मैं कौन सा तेरे पास खड़ा रहूंगा। हाँ तो जा ना, सुना किसे रहा है? खम्मा का मेरे टाइम बेकार कर दिया रोक के। ओ मुंशे तेरी पैन पट्टी के पीछे से। ठीक है बिल्लू, मिलते हैं बाद में। इधर कहाँ जा रहा है तू? खेत की तरफ जा रहा हूँ थोड़ा घूमने, तू चलेगा? नहीं मैं भी तेरी भाभी को देख आऊँ कहाँ है। ठीक है। तू यहाँ क्या करने आई है? मैं यहाँ कुछ भी करने आई हूँ, तेरे से क्या मतलब है? अरे ओ सैरी मैडम, यू तेरा शहर नहीं है, गांव है, यहाँ थोड़ी ढंग से रह, समझी? मुझे ना तेरे से समझने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है आज होश में लग रहा है तू। और बेहोश कब रहता हूँ मैं तो होश में ही रहता हूँ हमेशा। अच्छा सुन तेरा नाम क्या है? अरे मेरा नाम जान के क्या करेगी तू? कुछ तो कर ही लूंगी, बता तो सही पहले। अर्जुन। अर्जुन अर्जुन एक बात तो बता, तू इतनी दारू क्यों पीता है? तेरे माँ बाप तुझे कुछ कहते नहीं है क्या? मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। और पिताजी? वो है ना मेरा यार रामपाल। अच्छा जिसके बारे में कल रात तू मुझे बता रहा था वो तेरे पिताजी हैं? हाँ। वैसे वो करते क्या है? वो मुझे सिर्फ प्यार करता है और कुछ नहीं करता है मेरा यार।
अंजलि, घर नहीं चलना क्या? चमेली आ रही हूँ, 2 मिनट रुक जा। अच्छा सुन, तू कल मिलेगा मुझे इसी टाइम? क्यों? मिल तो सही, फिर बताऊंगी। ठीक है, मिल जाऊंगा। ठीक है, बाय। अर्जुन भैया क्या बोल रहे थे? तू जानती है अर्जुन को? हाँ, मेरे घर के पास ही तो रहते हैं। अच्छा चमेली, एक बात तो बता, ये इतनी दारू पीता क्यों है? ये तो मुझे नहीं पता, पर सब कहते हैं जब से इनकी माँ इनको छोड़ के गई है तब से ये दारू पीने लगे हैं। इसकी शादी हो गई है? नहीं, अभी तो नहीं, बट तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। यार को है यारी निभानी, पिले पिले उम्र राजा, पिले पिले उम्र जानी, पिले पिले उम्र राजा, पिले पिले उम्र जानी। अबे मुंशी के बच्चे, कहाँ जा रहा है इतनी रात को? अर्जुन में विधायक जी के घर जा रहा हूँ। अबे रात को तो विधायक को सो लेने दे यार, रात में भी कोई घोटाला करने का प्लान है तुम लोगों का? हम लोग कोई घोटाला नहीं करते अर्जुन बेटा। अबे चुप कर, मुझे होशियारी दिखा रहा है? अबे मुंशी, जितना घोटाला तुम नेता लोग करते हो उतना तो कोई भी नहीं करता यार। अच्छा अर्जुन बेटा, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जाऊँ? अबे ओए मुंशी के बच्चे, चुपचाप यहीं खड़ा रहे, नहीं लिटा दूँ साढ़े को अभी। यार रामपाल, मैं साढ़े मुंशी में गोली मार दूँ? मार दे साढ़े में, अपने बाप का गन कहाँ है मेरे? अरे मुंशी भाग कहाँ रहा है? गन नहीं लाया मैं, लगता है साढ़ा मुंशी डर गया। यार रामपाल, हाँ? मैं चलते चलते थक गया हूँ। अच्छा तो ले आ फिर। पीले पीले उम्र राजा। यार 10 बज लिए, अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। क्या बात है, टाइम से पहले आ गया तू। पहले ये बता, बुलाया क्यों था मुझे? अरे इतनी जल्दी में क्यों है, कहीं जाना है तुझे? नहीं। तो फिर बैठ ना चुपचाप 2 मिनट। अर्जुन, तू मेरा एक काम करेगा? हाँ बोल। पहले वादा कर, जो मैं बोलूंगी वो तू करेगा। देख अंजलि, मैं किसी से वादा नहीं करता हूँ, तुझे जो भी बोलना है जल्दी बोल। अगर किसी गाँव वाले ने तुझे मेरे साथ देख लिया ना तो मुसीबत आ जाएगी। जब तुझे गांव वालों से इतना ही डर लगता है तो फिर मुझसे मिलने आया क्यों? अरे डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, तू काम बता बस। पहले वादा कर, फिर बताऊंगी। ठीक है, वादा है, जो तू बोलेगी वो मैं कर दूँ। अब बोल। तू ना दारू पीना छोड़ दे। दारू पीना छोड़ दो, ये नहीं हो सकता कभी। देख, तूने मुझसे वादा किया है, जो मैं बोलूंगी वो तू करेगा। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं। और अपने रामपाल को भी समझाएगा, वो भी दारू नहीं पिएंगे। रामपाल को समझाऊंगा? मेरे बस की नहीं है उसे समझाना। ठीक है फिर, मैं समझा दूंगी उन्हें। हाँ ये ठीक रहेगा, तू खुद समझा दिए उसे। अब मैं घर जा रही हूँ, बाद में मिलूंगी। ठीक है? ठीक है, बाय बाय। यार मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं इस लड़की से सिर्फ 2 बार मिला हूं और मैंने इसकी बात मान कैसे ली? कहीं मुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? चाचा जी, राम राम। राम राम बेटा, मैंने तुझे पहचाना नहीं, कौन है तू? जी मैं राजवीर विधायक की बहन हूँ। अच्छा अच्छा, बता बेटा कैसे आना हुआ? जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोल बेटा। चाचा जी, जो बात मैं आपसे बोलने वाली हूँ उसे सुनकर आप बुरा मत मानना। अरे बेटा तू बोल तो सही। चाचा जी मैं चाहती हूँ आप दारू पीना छोड़ दे, क्योंकि जब तक आप दारू पीना नहीं छोड़ेंगे अर्जुन भी दारू पीना नहीं छोड़ेगा, और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों दारू को हाथ भी ना लगाए। अच्छा
तो ये अर्जुन से पहले मिल चुकी है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चाचा जी क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं बेटा, मैं भी तेरे से एक बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना चाचा जी। मुझे ना 100 रुपए उधार चाहिए, बेटा देगी तू? 100 रुपए का क्या करोगे चाचा जी? वो मैं एक पौवा लाऊंगा, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। अच्छा मेरी बातें आपके समझ में नहीं आई? अच्छा एक ही दिन में इतना लगाव हो गया तुझे अर्जुन से? हाँ मुझे उससे लगाव हो गया है और मैं उसे दारू नहीं पीने दूंगी। और एक बात और सुन लीजिए मेरी, अगर आपने अर्जुन को दारू पिलाई ना तो मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। तो फिर रोक के दिखा। ठीक है। हट हट एक अर्जुन को सुधारने का एक ही तरीका है, मैं उसे अपने दिल की बात बता देती हूँ, क्या पता ये बात सुन के वो सुधर जाए। हाँ ये ठीक रहेगा, कल मैं उससे अपने प्यार का इजहार कर दूंगी। हाँ। ये अर्जुन कहाँ रह गया आज? लो आ लिया। अरे कहाँ है मेरे यार, हम तेरे लिए कब से महफिल सजाए बैठे हैं और तेरा कुछ अता पता ही नहीं है। ये ले। यार रामपाल आज मेरा बिल्कुल भी पीने का मूड नहीं है। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ तबीयत तो ठीक है मेरी। तो फिर ले क्यों नहीं रहा है? यार बोला ना मेरा बिल्कुल भी पीने का मूड नहीं है, तुम लोग पियो मैं जा रहा हूँ सोने। जो मैं चाहता था आज वो हो गया, ले पी। रामपाल मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, तू अर्जुन को दारू पिलाता क्यों था? मैंने कभी नहीं पिलाई उसे दारू, वो खुद ही सीख गया पीना। फिर वो दारू पीने बाहर जाने लगा, मुझे डर लगा रहता था कहीं उसे कुछ हो ना जाए। फिर उसके बाद मैंने भी दारू पीना शुरू कर दिया, कम से कम पीने के बाद मेरी आंखों के सामने तो रहेगा। अच्छा ये बात है। हाँ पर अब मेरा यार सुधर जाएगा। बहुत कैड़ा पैक था रामपाल, मुझे भी खिला चकना। ये ले। क्या हुआ, समझा दिया रामपाल को? अरे उन्हें समझाना ना दीवार में सर मारने के बराबर है। मैं तो पहले ही समझा रहा था तुझे ये बात, पर तेरी ही समझ में नहीं आ रही थी। तूने तो अपना वादा नहीं तोड़ा ना। अर्जुन का वादा नहीं टूटता है कभी। अच्छा सुन मुझे ना तेरे से एक बात करनी है। तो कर ना फिर, बैठी क्यों है? अर्जुन मुझे लगता है मैं तुझे पसंद करने लगी हूँ। ये क्या बोल रही है तू, हमें मिले सिर्फ 2 दिन हुए और तू प्यार भी करने लग गई मेरे से? प्यार तो मुझे तेरे से उसी दिन हो गया था जिस दिन तू मुझे ऑटो में मिला था। ऑटो में मिला था? मैं कब मिला था? जिस ऑटो से मैं स्टेशन से आ रही थी उसी ऑटो को तूने रोका था। उसके बाद तू ऑटो को पप्पिया करने लगा था, उसी दिन हो गया था प्यार तेरे से। अच्छा जी। उसके बाद मैंने तुझे ढूंढना शुरू किया, फिर तू एक दिन रात को मुझे मिला, पर तू इतने नशे में था कि बात करना तो दूर, सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तू दुनिया की पहली लड़की है जो किसी लड़के को नशे में देखकर उससे प्यार करने लगी। तू नशे में तो था पर तेरे चेहरे पर एक मासूमियत देखी मैंने, बस उसी मासूमियत पे फिदा हो गई मैं। तेरे फिदा होने से क्या होता है, मेरे दिल में भी तो तेरे लिए प्यार होना चाहिए। क्यों तू प्यार नहीं करता मेरे से? नहीं। ठीक है फिर, मैंने तुझे परेशान किया उसके लिए सॉरी।
अच्छा, मेरी नींद हराम करके खुद आराम से सो रहा है। अभी बताती हूँ तुझे। अरे तू यहाँ क्या करने आई है? मैं तुझे ले जाने आई हूँ यहाँ से। मुझे ले जाने आई है? अरे मुझे कहाँ ले जाएगी आधी रात में? मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगी। पागल हो गई है क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ तेरे प्यार में। अब जल्दी बता, तू मेरे से प्यार करेगा या नहीं? अरे मैं तेरे से प्यार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मेरे से प्यार? मेरे अंदर कमी क्या है बता जरा। अरे कोई कमी नहीं है तेरे अंदर। तो फिर क्यों नहीं करता है तू प्यार? देख तुझे चढ़ गई है, अभी तू घर जा, हम लोग कल बात करेंगे इस पे। नहीं, मुझे अभी बात करनी है तेरे से। अरे धीरे बोल, रामपाल जग जाएगा। अरे जग जाएगा तो जग जाने दे, मैं डरती थोड़ी हूँ तेरे रामपाल से। देख मैं तुझे प्यार नहीं करता, तू बात को समझ मेरी। ओ समझदार के फूफा, ज्यादा समझदार मत बन तू। अगर तूने मेरे प्यार को ठुकराया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे ये कहाँ से लाई तू, दे इधर। चल मैं तुझे घर छोड़ के आता हूँ। जब तक तू मुझे आई लव यू नहीं बोलेगा ना, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अरे यहाँ कहाँ लेट रही है, अपने घर जाके लेट। आज से यही मेरा घर है। अरे क्या करूं मैं इस लड़की का, मेरी दारू छुड़ा के खुद पीने लग गई। अंजलि अंजलि, अरे अंजलि। हाँ बोलना मेरे बाबू। तू मेरे से प्यार करती है ना? अपनी जान से भी ज्यादा करती हूँ। तो मेरी एक बात मानेगी तू? हाँ बोल मेरी जान। तू अभी अपने घर जा प्लीज। अच्छा ठीक है, पर तू पहले बोल मेरे से प्यार करता है तू? ये बात मैं तुझे कल बोलूंगा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है तो फिर मैं जा रही हूँ। ये रह गया तेरा। लगता है ज्यादा ही पी लिए आज। बड़ी चुपचाप खड़ी है, रात को तो बहुत बोल रही थी, लगता है उतर गई है। तुझे क्या करना है, मैं कुछ भी करूं? हाँ ये बात भी है। देख अर्जुन, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तू मुझसे प्यार करता है या नहीं? नहीं, मैं तेरे से प्यार नहीं करता हूँ। सोच ले, बाद में मत बोलियो कि मैंने तुझे बताया नहीं। अच्छा मुझे धमकी दे रही है? अगर तू मुझे नहीं मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी अर्जुन। अंजलि, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तेरे बिना रह नहीं सकती अर्जुन। मैं भी तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। अगर तू मुझे छोड़ के गया ना तो मैं मर जाऊंगी। पागल है क्या, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सब तेरे साथ ही रहूंगा।
है मुझे सुकून जब मैं देखता हूँ खून। पता लगा उसकी सबसे प्यारी चीज क्या है? उसकी सबसे प्यारी चीज उसका बाप रामपाल है। तो ठीक है, रामपाल को राम के पास पहुंचाने का बंदोबस्त कर दे। आप चिंता मत करो विधायक जी, वो भी याद रखेगा किससे पाला पड़ा है। तो ठीक है, निपटा दे साले को, बाकी मैं देख लूंगा। अर्जुन, तूने अंजलि पे नजर डाल के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। क्या बात है यार, आज तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है तू। अरे मैं पैदा ही स्मार्ट हुआ था। अच्छा जी। हाँ जी। और एक बात बोलूं? हाँ, तेरे से पूछना मेरी जान। किसी लड़की के चक्कर में इस अपने यार को मत भूल जाइए। अरे कैसी बात कर रहा है यार रामपाल, मैं दुनिया में किसी को भी भूल सकता हूँ पर अपने यार को नहीं भूल सकता कभी। अच्छा एक बात बता तू, तेरी लव स्टोरी कैसी चल रही है? लव स्टोरी? कौन सी लव स्टोरी? अच्छा अपने यार से छुपा रहा है तू, तेरे यार को सब पता है तेरे बारे में। हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे चमेली क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों है? अंजलि वो अब आगे भी कुछ बोलेगी तू? अर्जुन भैया के पिताजी खत्म हो गए। क्या? तुम जल्दी चलो मेरे साथ। हाँ चल। अंजलि कहाँ जा रही है तू?
वो भैया मेरे एक दोस्त के ना पिताजी खत्म हो गए, मैं वहाँ जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की, घर में बैठो। पर भैया। सुना नहीं मैंने क्या बोला है? तुझे क्या अलग से बोलना पड़ेगा? चल जाओ। गुप्ता तेरी समझ में नहीं आया क्या? कल तक अगर जमीन मेरे नाम नहीं हुई तो तू जानता है कौन मुझे और पसंद है। रामपाल मुझे छोड़ के चला गया। मुझे पता है अर्जुन, पर क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसकी चलती है। मत बोल मुझे भैया, तूने मेरी नाक कटवा दी, मारो साले को। अर्जुन, 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 उसे मत मारो प्लीज भैया, प्लीज भैया, उसे मत मारो, अर्जुन, मारो साले को, मारो, छोड़ नहीं, मारो साले को, मारो, उसे मत मारो, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ भैया, उसे मत मारो। उसकी यही तो गलती है कि ये तेरे से प्यार करता है। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन उठो। विधायक जी, जैसे हम लोगों ने इसके बाप को मारा था, इसे भी निपटा दो क्या? और क्या, इस दुनिया में अकेला रह के क्या करेगा, निपटा दे साले को। अर्जुन उठो, अर्जुन उठो। भैया, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन!
नहीं, इसने मेरे यार रामपाल की जान ली है, मैं इसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन मैं तेरे पैर पकड़ती, इन्हें माफ कर दे। आज मैं तुझे सिर्फ इसकी वजह से छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा तू मुझे मिला तो तू इस दुनिया में नहीं दिखेगा। अगर मेरी जान को किसी ने मेरे से दूर किया तो मैं उसकी जान ले लूंगा।